बता दें कि नागरिकों को बच्चा पैदा करने के लिए अब सरकार देंगी लाख लाख रुपए। जापान पिछले कुछ समय से गिरती जन्म दर से परेशान है। देश के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय को उम्मीद है कि कुछ पैसों का वादा लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जापान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी दी गई, फिलहाल बच्चा पैदा होने पर नए पेरेंट्स को 4 लाख रुपए से ज्यादा दिए जाएंगे। और बता दें, स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्री कात्सुबुन काटो को आंकड़े को बढ़ाकर 5 लाख येन यानी कि 3 लाख रुपए कहना चाहते थे। जापान टुडे के मुताबिक उन्होंने योजना पर चर्चा करने के लिए पिछले हफ्ते जापानी प्रधानमंत्री फूर्मियो किशिदा के साथ बात भी की, जिसे स्वीकार किए जाने और वित्त वर्ष 2023 के लिए प्रभावी होने की संभावना है। बता दें, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर लैंप और समग्रेंड नाम के बावजूद जापान में लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। इसका एक मुख्य कारण बढ़ती लागत है। भले ही इस राशि को जापान का पब्लिक मेडिकल इंश्योरेंस सिस्टम सपोर्ट करता हो, लेकिन चाइल्ड बर्थ फीस जेब से भरनी पड़ती है। डिलीवरी की लागत का राष्ट्रीय औसत 4 लाख से ज्यादा है। भले ही रकम बढ़ा दी जाए, लेकिन माता पिता जब अस्पताल से घर लौटेंगे तो उनके पास औसतन 30,000 येन ही बचेंगे, जो बच्चे को पालन के लिए कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। कुल मिलाकर नए माता पिता थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे पाकर खुश होंगे, क्योंकि उनका परिवार बढ़ेगा। साथ ही 80,000 येन का इजाफा अनुदान के लिए अब तक की सबसे ज्यादा 2009 के बाद पहली बार होगी। साल 2021 में जारी सरकारी डेटा के मुताबिक जापान में एक सदी से भी ज्यादा समय में सबसे कम बच्चे पैदा हुए हैं, और इस आंकड़े से हलचल मच गई है, क्योंकि जनसंख्या में गिरावट भविष्य में बड़े प्रभाव पड़ेंगे। लंबे वक्त से ये मुद्दा देश की नीति और राजनीतिक चिंता का विषय बना है। बता दें कि इस अनुसार देश में पिछले साल 8,000 से भी ज्यादा जन्म और 14 लाख मौतें दर्ज की गई थी।